सब्सक्राइब कीजिए AQ Tech हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल बटन को टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आपके पास विंडोज 10 में ये एरर आ रहा है, विंडोज कुल नॉट फाइंड ए ड्राइवर फॉर योर नेटवर्क अडाप्टर, तो इस एरर को कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले दोस्तों आपको विंडोज 10 की सेटिंग में जाना है। विंडोज की प्रेस करते हुए आपको आई प्रेस कर देना है, विंडोज 10 की सेटिंग जो है ओपन हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको जो है अपडेट एंड सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको जो यहाँ पर ट्रबल शूट के ऊपर क्लिक करने के बाद एडिशनल ट्रबल शूटर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल डाउन करना है, फिर आपको जो यहाँ पर नेटवर्क अडाप्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद रन द ट्रबल शूटर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जो यहाँ पर नेटवर्क अडाप्टर सेलेक्ट कर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको जो है विंडोज 10 के सर्च बार में टाइप करना है डिवाइस मैनेजर, इसको जो है क्लिक कर ओपन कर देना है। फिर दोस्तों आपको जो है यहाँ पर नेटवर्क अडाप्टर के ड्राइवर्स को जो है आपको अपडेट कर देना है, राइट क्लिक कर अपडेट ड्राइवर के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको जो है सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको जो है विंडोज 10 के सर्च बार में टाइप करना है कमेंड प्रॉम्प्ट, राइट क्लिक कर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पर फिर इस तरीके से टाइप करना है, फिर आपको जो है इंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद कमेंड प्रॉम्प्ट को जो है क्लोज कर लेते हैं, प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।